हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। माह सयाम में क्रिकेट का बुखार दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद में भी सर चढ़कर बोलने लगा, जिसमें सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरू भी हुए मुब्तला और अपने हल्के में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट में खूब दिखाए कमालात, कहीं दिखाया उंगलियों का जादू तो कहीं की शानदार बल्लेबाजी। इस मौके पर सिटी न्यूज़ से बातचीत में सूबाई वजीर और अहम शख्सियात ने कहा कि क्रिकेट के लिए एक बेहतर माहौल के लिए जो है दूसरा शोरो साहब हैं सूबाई मिनिस्टर, वो आज खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट, इस मैच के अंदर ओपनिंग मैच है यहाँ का, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रिकेट का शौक़ तो बहुत है यहाँ पर। आज दोस्तों ने कहा कि रमज़ान भी है और क्रिकेट ही क्रिकेट चल रही है हर जगह पर। रमज़ान में तो वैसे ही नाइट टूर्नामेंट्स होते हैं, खेले भी हैं, तो आज यहाँ आया तो एक दफ़ा फिर पुरानी यादें ताज़ा की। अब ये कि इधर हमारे कासमाबाद में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बहुत सी कमी है, लोकली जो ग्राउंड से बच्चे जो भी हैं वो लोकली ग्राउंड्स पे खेलते हैं या वो जाके खेलते हैं अपने अल्लाह आपको नेकी दे रोड्स पे, जहाँ पे उनको चोटें लगती है, उनको जख्मी होने का बहुत सा अंदेशा होता है। जाम साहब अभी आए हैं, हम उनसे ये भी अपील करते हैं कि आप इस टूर्नामेंट को भी सपोर्ट करें, ये स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें और इसके अलावा कासमाबाद के लिए एक दो अच्छे से ग्राउंड प्रॉपर बनाएं जहाँ पे टेप बॉल और हार्ड बॉल पे यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्रिकेट भी खेल सकें। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो खेलों के फ़रोग के लिए शहर में ग्राउंड्स की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि हैदराबाद का टैलेंट भी मुल्क की तरक्की में अपनी खदमात पेश कर सके। कैमरामैन मानी जट के साथ अली अहमद शेख, सिटी न्यूज़ हैदराबाद।